व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं हमारी हल्का 5000 किलोमीटर का ओनरशिप रिव्यू। तो गाइस, ये रहने वाली है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 सिग्नल 2023 सीरीज। तो गाइस, मैं इसका करने वाला हूँ 5000 किलोमीटर वाला ओनरशिप रिव्यू कि मेरे को क्या एक्सपीरियंस हुआ एंड मेरे को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी एंड अब तक कितनी सर्विस हो चुकी है इसके अंदर एंड सर्विस का जो एस्टीमेट है वो कितना बैठा। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर ऑटोमेटेड वीडियो डे बाई डेप की मोटिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइस, कंपनी ने इसके साथ 4 फ्री सर्विस ऑफर करी थी, जिसके अंदर से इसकी 3 सर्विस हो चुकी है। जो पहली सर्विस होती है उसका जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आपकी जो बाइक है उसको परचेज किए 6 मंथ हो जाए या फिर आपकी बाइक 500 किलोमीटर ड्रीवन हो चुकी हो। तो गाइस, उसके अंदर आपको कुछ भी चार्ज पे नहीं करना पड़ता, उसके अंदर सिर्फ नॉर्मली रूटीन चेकअप होता है, ऑयलिंग वगैरह होती है चैनिंग वगैरह के अंदर। एंड गाइस, जो दूसरी सर्विस आती है उसके अंदर भी आपको लेबर चार्ज नहीं लगता, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है। और सेकंड सर्विस के अंदर जो मेरा एस्टीमेट बैठा था वो आया था 2000 के अप्रोक्स। तो गाइस, वो 2000 किस चीज़ के थे? तो गाइस, जो आपकी इंजन होती है, जो इंजन के बीच में कोई किट होती है वो डालती है, रबड़ की किट होती है वो डालती है, इंजन का जो एक साइड का पार्ट खुल के वो डालता है, क्योंकि जो कंपनी है वो उसके अंदर स्टार्टिंग से डाल के नहीं देती है। तो वो सेकंड सर्विस के अंदर कंपनी आपको सर्विस के ऊपर जो रबड़ की किट होती है पूरी वो डाल के देती है, और वो रबड़ की किट होती है वो 1800 या फिर 2000 के अप्रोक्स होती है। तो गाइस, आपको सिर्फ उसी का पे करना पड़ता है और वो सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। गाइस, अभी फिलहाल मेरी थर्ड सर्विस कंप्लीट हुई है, जिसका क्राइटेरिया था कि आपकी बाइक या तो 5000 किलोमीटर चल जाए या फिर आपकी बाइक को परचेज करे हुए 6 मंथ हो जाएं। तो गाइस, ये मेरा 5000 किलोमीटर वाला ओनरशिप रिव्यू रहने वाला है, क्या मैंने एक्सपीरियंस किया एंड क्या मेरे को प्रॉब्लम आई इस बाइक में। गाइस, इसकी जो थर्ड सर्विस हुई थी, जो इसका एस्टीमेट है मैं आपको दिखाऊंगा तो आप भी शॉक हो जाओगे, क्योंकि जो थर्ड सर्विस के अंदर जो मेरा चार्ज लगा सर्विस का, सिर्फ ओनली आप आइडिया भी नहीं ला सकते इतना ज़्यादा कम लगा मेरा। मैं अभी दिखाता हूँ आपको जो मेरा एस्टीमेट बैठा था। तो गाइस, सिर्फ मेरा एस्टीमेट बैठा था थर्ड सर्विस के अंदर 173 का। तो गाइस, इसके अंदर भी नॉर्मली चेकअप हुआ था और जो चैन वगैरह है उसके अंदर ऑयलिंग वगैरह ये सब कुछ हुआ था एंड वॉशिंग वगैरह हुई थी। तो गाइस, इतना चीप आपको थर्ड सर्विस के अंदर पे करना पड़ेगा। आपको सिर्फ सेकंड सर्विस के अंदर इसलिए ज़्यादा पे करना पड़ता है क्योंकि वो जो रबड़ की किट होती है जो इंजन के बीच में फिट होती है वो कंपनी शुरू से नहीं देती है, तो आफ्टर परचेज करने के बाद आपको ये डलवानी ही पड़ती है। कहीं ना कहीं मेरे माइंड में मिथ था कि जो इसकी सर्विस होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती होगी। जब सेकंड सर्विस देखी मैंने, 2000 मैंने पे करने पड़े, तो मेरे को कि हमेशा ही अप्रोक्स इसी के बराबर बिल बैठेगा, लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस वो स्टार्टिंग में देना पड़ता है रबड़ किट के लिए, बाकी आपको जो सर्विस के ऊपर पे करने पड़ेंगे वो नॉर्मल चार्ज होंगे, जिसका आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि कितना चीप इसका सर्विस रहता है। गाइस, मैंने इसको एक ऑफ रोडिंग पेज पर लेके गया था, वो अप्रोक्स 20 किलोमीटर के अप्रोक्स था और पूरी ऑफ रोडिंग थी, फर्स्ट एंड सेकंड गियर के अंदर ड्रीवन करनी पड़ी, इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग करी थी हमने इस बाइक से। लेकिन मेरे को कुछ भी ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ना ही कोई चैन लूज़ हुई, ना कुछ किसी चीज़ की इरिटेटिंग नॉइज़ वगैरह, कोई बोल्ट वगैरह की आवाज़, कोई नॉइज़ इसके अंदर अभी तक नहीं आई। तो गाइस, जो मेरे को सिर्फ प्रॉब्लम आई, जो मैंने आफ्टर मार्केट ये जो जावा के बार एंड मिरर इंस्टॉल करे थे वो लूज़ हो गए थे, क्योंकि इनके अंदर अच्छे से प्रॉपर तरीके कोई वॉशर वगैरह नहीं था। इसके कारण जब मैंने ऑफ रोडिंग करी तो ये कहीं ना कहीं बिना वॉशर के ये लूज़ हो गए थे और ये पूरे ढीले हो गए थे, तो मेरे को इनको लूज़ करके और उतार के तब मेरे को बाइक लेके आनी पड़ी। सिर्फ मेरे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बाकी बाइक के अंदर किसी चीज़ की भी इरिटेटिंग नॉइज़, कुछ भी नॉइज़ अभी तक नहीं आई है। एंड गाइस, जो इसके सस्पेंशन है, 6-way एडजस्टेबल सस्पेंशन है, इतना ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बाइक राइड कर रहे हो। आपको सिर्फ ऐसा फील होने वाला है अगर आप कोई नॉर्मल बाइक से स्विच करते हो कि आप कोई अच्छी खासी एक्सपेंसिव बाइक चला रहे हो या फिर किसी आप कार के अंदर बैठे हो, इतना ज़्यादा अच्छा सस्पेंशन है अगर आपके टायर्स के अंदर प्रॉपर एयर प्रेशर होगा तो। गाइस, ये एक तरीके से पावरफुल मशीन है, अगर आप नॉर्मल बाइक से स्विच होते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप हमेशा कोई पावरफुल मशीन चला रहे हो और आप हमेशा ओपन रोड देखोगे इसके लिए, इसकी पावर चेक करने के लिए। आपको नॉर्मल स्पीड में बिल्कुल भी मज़ा आने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप इसको ऑफ रोडिंग के लिए प्रीफर नहीं करोगे, लेकिन ऑफ रोडिंग के अंदर भी इतना ज़्यादा ये परफॉर्म करती है। एंड गाइस, जो हाईवे के ऊपर जो फील आता है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि गाइस अगर आप नॉर्मल बाइक से स्विच होते हैं एंड आप
350 सीसी की बाइक ड्रीवन करते हैं हाईवे के ऊपर, तो गाइस आप लिटरली आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि गाइस इसके अंदर पावर इतनी ज़्यादा भरी हुई है, एक तरीके से इसको आप पावर मशीन बोल सकते हैं, इसलिए मैं इसको प्यार से हल्क बोलता हूँ। और गाइस हाईवे के ऊपर आप थोड़ा सा एक्सेलेट करोगे और आपकी बाइक कहाँ चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। एंड गाइस सबसे बड़ी बात, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है कि आप अगर नॉर्मल बाइक या फिर स्कूटी वगैरह ड्रीवन करोगे, सपोज़ करो आप 70-80 के अप्रोक्स कोई ड्रीवन कर रहे हो स्कूटी या बाइक नॉर्मल बाइक, तो आपको उसके अंदर फील हो जाएगा कि आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसके अंदर आप अगर आप 100 से क्रॉस भी कर जाओगे तो बिल्कुल भी आपको पता लगने वाला नहीं है कि आप कितनी ज़्यादा स्पीड पर चल रहे हैं, ये बिल्कुल आराम से स्टेबल चलेगी। गाइस अगर आप कोई न्यू बाइक का प्लान कर रहे हैं और कोई न्यू बाइक देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस बाइक पर जा सकते हैं। अगर आपको कोई रॉयल वाली फील चाहिए और आपको बिल्कुल एक पावरफुल मशीन चाहिए तो आप इस बाइक पे जा सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई सुपर बाइक टाइप की बाइक पसंद है तो आप नॉर्मली R15 वगैरह या फिर ड्यूक वगैरह इनके ऊपर जा सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पर ऑटो में रिलेटेड वीडियो डीवाई टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।